हाय एवरीवन, सो आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक अच्छी खबर के साथ। बड़ी खबर अच्छी है कि नहीं, ये तो शायद आप ही लोग डिसाइड करके मुझे बताओगे। तो सबसे पहले, अभी हमने लास्ट वीक काफ़ी सारी डायरेक्ट टेस्ट वाली हायरिंग अपॉर्चुनिटीज डाली थी, उसमें एक हायरिंग मैंने पोस्ट करी थी एलन सर की। ठीक है, अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, और अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो आपने काफ़ी बड़ी मिस्टेक कर दी, उसका मैं रीज़न बताऊंगा। तो देखो, इसमें अच्छी खबर भी है, बुरी खबर भी है। अच्छी खबर ये है कि उन लोगों ने यहाँ पर इंटरव्यू मेल्स भेजना स्टार्ट कर दिए हैं। अब आज ये इन्फॉर्मेशन आई, आपको मेल भी मैं दिखा दूंगा। सो ये अच्छी खबर उन लोगों के लिए जिसने ये वाला इंटरव्यू मेल रिसीव किया। अगर आपने एलन सर का टेस्ट दिया था तो एक बार कमेंट सेक्शन में डन लिख देना, बस इतने में मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, अब बुरी खबर शायद उन लोगों के लिए हो सकती है जिनको ये वाला मेल रिसीव नहीं हुआ। बट यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हायरिंग अभी ओपन है, सो आप लोगों को अभी यहाँ पर मेल्स रिसीव होने के चांस हैं, इंटरव्यू मेल्स रिसीव होने के चांस हैं, अगर आप लोगों ने इसका टेस्ट दिया था तो। ठीक है, अगर आपने इसका टेस्ट दिया था और अगर अभी तक आपको कोई भी मेल रिसीव नहीं हुआ है, सो अभी आगे यहाँ पर इंटरव्यू मेल्स आने के चांसेस हैं, क्योंकि हायरिंग इज स्टिल ओपन। बट अभी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसा कि मुझे भी इन्फॉर्मेशन पता हुआ, आदित्य ने टेस्ट दिया था, उसको मेल भी आ चुका है इंटरव्यू का। अब ही विल बी रिवर्टिंग विद द मेल विद ऑल हिज डिटेल्स। ओके, सो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, और आज की वीडियो में बहुत सारी हायरिंग्स होने वाली हैं, हम उनको भी कवर करेंगे। सो लेट्स डिस्कस ऑल द थिंग्स इन डिटेल। सो भाई देखो, एलन सर की ये डायरेक्ट टेस्ट हायरिंग वीडियो थी, जिसमें मैंने बताया था कि ये बिल्कुल डायरेक्ट टेस्ट है, इसमें कोई भी शॉर्टलिस्टिंग नहीं है। अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो आपको इस लिंक को प्रोवाइड करा दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। अगर आप देखोगे तो ऐसा मेल यहाँ पर डायरेक्टली एचआर की तरफ से रिसीव हो चुका है कि यू आर डूइंग गुड, आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू एज योर परफॉर्मेंस इन द असेसमेंट वॉज रिमार्केबल। तो यहाँ पर ऑलरेडी इंटरव्यू का मेल आ चुका है, बस थोड़े बहुत इनसे डिटेल्स मांगे हैं और अवेलेबिलिटी मांगी है कब आप अपना इंटरव्यू दे सकते हो। तो एक बहुत ही बड़ा अपडेट होने वाला है, और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं ना कि कभी कभार कई लोग इस टाइप की अपॉर्चुनिटीज को हल्का आंख लेते हैं, सोचते हैं कि अरे ये तो ऐसा कुछ नहीं होगा, नहीं आएगा रिवर्ट, और लास्ट में ऐसी अपॉर्चुनिटीज यहां पर काफी अच्छा खेल कर जाती हैं। इवन इस टाइप की हायरिंग्स में एमएनसी हायरिंग से ज्यादा हायरिंग हो जाती है, जो एक आज जो छोटी छोटी ऐसी हायरिंग्स निकलती रहती है ना, तो काफी सारे बच्चे सेलेक्ट होते रहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि सीरियसली लिया करो जो डायरेक्ट टेस्ट वाली वीडियोस हैं या नॉर्मल वीडियोस हैं, सीरियसली आप उनको लें। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, यहाँ पर सबसे बड़ी हायरिंग है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले, दैट इज फ्रॉम एमडॉक्स। अब हेलो ऑल, देयर इज रिक्वायरमेंट फॉर ऑटोमेशन प्रोफाइल इन एमडॉक्स, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड इज लेस देन 2 ईयर, इफ इंटरेस्टेड प्लीज डीएम। और अगर आप देखोगे तो अभी तो खास कुछ इस पर एंगेजमेंट नहीं है पोस्ट पर, बट अब ये वीडियो जाने के बाद इसकी एंगेजमेंट काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। अब आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आप इससे कोशिश करना कि आप बात कर पाओ और आप अपना रेज्यूम वगैरह भेजो। अगर आपको रेफरल मिल जाता है सो यू आर लकी, एंड अगर आपको नहीं मिल पाता है देन यू आर नॉट लकी। बट जैसे कि इनने बताया कि एमडॉक्स में पोजीशन अवेलेबल है फॉर ऑटोमेशन क्यूए प्रोफाइल, आई वुड सजेस्ट यू कि आप एक बार कैरियर पेज पर सर्च करके इसकी आईडी निकाल लो एंड ट्राई टू गेट अ रेफरल। देखो सबसे बड़े बेवकूफ वो लोग होते हैं जिस पोस्ट पर 300-400 लाइक्स होंगे या 200 प्लस लाइक्स होंगे, ठीक है, और उस पर लिखा रहता है ना डीएम मी फॉर रेफरल, ऑलरेडी उस बंदे पे इतनी रीच जा चुकी है, अब आपको रेफरल नहीं मिलने वाला। हमेशा कोशिश किया करो कि दूसरे एम्प्लॉई से आप रेफरल लो उसी कंपनी के, है ना, क्योंकि अगर देखो ऐसा हो जाता है ना तो फिर चांस कम हो जाते हैं। जिस पे 200 से ज्यादा ऑलरेडी लाइक हो गए हैं, क्या फायदा है रेफरल लेने का, रिवर्ट ही नहीं कर पाएगा वो आपको, है ना। सो इसमें भी एक बार ट्राई कर लेना, एमडॉक्स की तरफ से हायरिंग है। देन एक काफी बड़ी जो हायरिंग हमें देखने को मिल रही है, दैट इज फ्रॉम फिडेलिटी इंडिया। सो फिडेलिटी इंडिया इज हायरिंग फॉर अप्रेंटिसशिप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, और इसके तरफ से काफी लोगों को यहाँ पर हमेशा मेल आते हैं, हर बार कंडक्ट कराई जाती है हायरिंग, एक साल में एक से दो बार ये कंडक्ट कराई जाती है, बहुत सारे बच्चों को इससे मेल्स वगैरह रिसीव होते हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि आप इसमें जरूर अप्लाई करें। अप्रेंटिसशिप इंजीनियरिंग एंड ग्रेजुएट्स 2023 पास आउट ओनली के लिए है, केवल 2023 बैच अप्लाई कर सकता है, बढ़िया है, सॉरी 2022 एंड 2023 दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी की रिक्वायरमेंट्स आप यहाँ पर सारी पढ़ सकते हो, 5 लाख रुपए की सैलरी होगी और इसमें जरूर अप्लाई करना, कंपनी काफी ज्यादा बढ़िया है, एक क्लिक में अप्लाई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर ब्रांड इंटेल की। सो ब्रांड इंटेल इज हायरिंग फॉर ML इंजीनियर इंटर्न, सो यू कैन ट्राई टू अप्लाई दिस, बेसिक रिक्वायरमेंट्स यू कैन रीड हियर। करंटली परसुइंग और रिसेंटली कंप्लीट डिग्री इन कंप्यूटर साइंस की रिक्वायरमेंट मांगी है, डेटा साइंस मशीन लर्निंग और रिलेटेड फील्ड। तो जो लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस फील्ड में जाना चाहते हैं, सो आप लोगों के लिए सही अपॉर्चुनिटी है, यू कैन ट्राई टू अप्लाई। देन वी हैव अ हायरिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम वेबकुल, सो वेबकुल इज हायरिंग फॉर मशीन लर्निंग, 5 openings है, CTC बेस्ट इन इंडस्ट्री। सबसे पहले कोडिंग राउंड होगा, फिर फेस टू फेस राउंड है, फिर HR राउंड है। जॉब लोकेशन नोएडा, BTech CS ITMCA, रिवर्ट आने के चांसेस हैं। सो इसमें जरूर जरूर अप्लाई कर देना, इंपॉर्टेंट हायरिंग अपॉर्चुनिटी पहले ही बताना चाहता हूँ, जरूर अप्लाई कर देना इसमें, है ना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की, दैट इज फ्रॉम व्यापराय।
सो व्यापराय पे इज हायरिंग फॉर टेक रिक्रूटर्स इंटर्न, सो यू कैन ट्राई टू अप्लाई इन दिस. करंटली परसुइंग एमबीए इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अल्टरनेटिवली अ कैंडिडेट विद अ बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग कैन ऑल्सो अप्लाई. ठीक है, सो अगर आप इंजीनियर हो ना तो सारे इंजीनियर भाई साहब भी अप्लाई इसमें कर सकते हैं, भाई बहन जो भी हैं सारे अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर हायर एपो की. सो हायर एपो इज हायरिंग फॉर एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सो यू कैन ट्राई टू अप्लाई इन दिस. ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ गुड अपॉर्चुनिटी. सो आई विल बी पुटिंग आउट द लिंक्स द डिस्क्रिप्शन, यू कैन अप्लाई. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.